सो गाइज़ वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। गाइज़ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है कि 10 मार्च को एग्ज़ाम रखा गया है JKSSB द्वारा। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है मॉक टेस्ट की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी सिक्स सेक्शनल टेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट आपका इंग्लिश का होगा, सेकंड जो आपका आपको मॉक टेस्ट है वो आपका GK विद करंट अफेयर होगा, और फर्स्ट आपका इंग्लिश का है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका GK विद JNKUT एज पर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। फिर आपका फोर्थ पे होगा आपका जनरल साइंस का, फिफ्थ पे होगा आपका मेंटल एबिलिटी का, सिक्स पे होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये 6 मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट होंगे 6 डेज के अंदर अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर वीडियो डेली रात को 9 बजे आपको इस पर वीडियो मिल जाए। सो आपको अपने पास क्या करना है, सबसे अच्छे वीडियो को थोड़ा सा पास करके आप देख सो एक बार कि इस तरह से आपको एक पेज पर लिख लेना है कि इंग्लिश फिर GK विद CK अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे जैसे कि जैसे जिस तरह से हमारे मॉक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें कर देनी है। MA यानी कि मेंटल एबिलिटी और CK कंप्यूटर नॉलेज। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे मार्जिन कर देना है, सीरियल नंबर पे 20 तक लिखना है। अब जैसे कि हमारा सेक्शन टेक्स्ट चलेगा, जैसे इंग्लिश का चलना है, तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट का क्या आ रहा है, आपका बी आ रहा है, तो आप पहले बी मार्क कर दो। ठीक है, जल्दी से बी मार्क कर दो, वीडियो को पास करके आपको टाइम चाहिए। फिर सेकेंड पर आपको ए लग रहा है, ए मार्क करो। बी जो भी कुछ लग रहा है उस तरह से आप मार्जिन कर सकते हो। फिर जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा वैसे वैसे आपने उनको टिक करते रहना है। अगर आपने ए बी मार्क करा है, मैं ए बोल रहा हूँ, तो आपने गलत कर देना है। अगर मैं बी ही बोलूँगा तो आपने उसको टिक कर देना है। ठीक है, फिर लास्ट में अपने उसका स्कोर इस पर लिखना है। फिर जब आपके 6 के 6 हो जाएंगे, फिर आपने 120 में से अपना स्कोर निकालना है कि मेरा ओवरऑल कितना स्कोर इस एग्ज़ाम में बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही एक बेस्ट सीरीज़ है आपके लिए मॉक टेस्ट 1। जितना भी मतलब कि अभी के जो एग्ज़ाम्स है, जो JKSSB के जो भी सीरीज़ अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, क्वेश्चन पैटर्न जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी को फॉलो किया जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट है, और याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 20 में से आपका लास्ट में कितना स्कोर बनेगा विद नेगेटिव मार्किंग के साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, वो पटवारी वाले बच्चे भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पटवारी का भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉरेस्टर की भी स्टार्ट करेंगे। जनरल इंग्लिश है, मॉक टेस्ट 1 है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। को मैंने कोशिश करी है कि टेस्ट का जो लेवल है वो अभी जो JKSSB का जो करंट में लेवल चल रहा है उसको मैं फॉलो करूं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखो जल्दी से। पिक आउट द क्लॉज इन द गिवन सेंटेंसेस। गिवन सेंटेंसेस में आपने क्लॉज को पिक करना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, और वीडियो को पास कर लो। वीडियो पास करने पर क्या होगा कि वीडियो को पास करके आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, तो इसलिए आप इसको पास कर लो पहले, थोड़ा टाइम लो दोगे क्वेश्चन को। सो आई होप आपने वीडियो को पास करके इसका आंसर मार किया हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि दैट ही इज़ अ ब्रेव मैन इज़ एडमिटेड बाय द एवरीवन। इस यही ट्रेंडिंग जो है JKSSB अभी करंट में पूछ रही है, यही ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो लेवल है अभी करंट में चल रहा है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट ही इज़ अ ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीपल से दैट ही इज़ अ स्पाई। एक्टिव पैसेज का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि देखो आपने तो इतना तो आपको एक्सपेक्टेड है ही नहीं कि JKSSB में पूछा क्या जाएगा, इतना तो आपको भी नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या होंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लेवल मैच कर जाता है। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि पीपल से दैट ही इज़ अ स्पाई। तो देखो आई होप आपने वीडियो को पास करके इसका आंसर मार्क करा हो। तो इसका जो आंसर है वो नन है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी होगा। कि इसका क्या है कि इट इज़ सैड दैट कि ही इज़ ए स्पाई, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं नन पे क्लिक करूँगा। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। अभी एक क्वेश्चन देखा था ना कि स्नेक हिडन इन द ग्रास, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था एक JKSSB में पूछा गया था। अब मुझे बताओ कि थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में धूल झोंकना, यानी कि एडम फ्रेसेस का क्वेश्चन है। आपको बताओ जल्दी से, टेरिफाई करना, किसी को चीट करना, अव्यूस मी, या मुझे हर्ट किया गया, या मुझे भी टेरिफाई किया गया। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, जल्दी से बताओ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। जित क्वेश्चन का देखो ऑप्शन 4 ही होते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन 4 होते हैं, और फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट में क्या हुआ है कि ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे, तो इसलिए पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सो ऑप्शन इसका ये है कि किसी को हम मिसलीड करते हैं, मिसलीड मी कह सकता हूँ कि मिसलीड किया गया मुझे, यानी कि मुझे क्या किया गया, चीट किया गया।
तो चीट में मैं इसका लिखूंगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द आंसर। जिन बच्चों ने बी मार्क करा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन नरेशन से घूर क्वेश्चन है कि टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव यू डन योर होमवर्क। देखो नरेशन और जो अपना एक्टिव पैसेज है ना, इसमें आपको ग्रामर्स के रूल भी याद रखने पड़ते हैं और आपको पता करना है कि पास्ट वाला कहाँ जाता है, प्रेजेंट वाला कहाँ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं वहाँ पे। बताओ जल्दी से वीडियो को पास करके इसका आंसर क्या होगा। द टीचर आस्क द बॉय इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। टोल्ड यहाँ पे नहीं आएगा, रिक्वायर इंक्वायर्ड भी नहीं आएगा, आस्क भी नहीं आएगा, क्यों? हाँ सॉरी, आस्क आएगा, डी हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। दो इफ ही हैड हैव नहीं आएगा यहाँ पे, इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, क्योंकि आपको पता है कि टेंस जो है वो आगे चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, रीअरेंजिंग वाला। वीडियो को पॉज करो क्योंकि इसको अरेंज करने में टाइम लगेगा। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफरन विच सिम्बलाइज पावर एंड कवरेज। ओके, कोई बात किसी की चल रही है, ये तो नहीं होगा, यानी कि बी से ही कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स अ ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। ओके सो नेक्स्ट क्या देखेंगे, इट फीचर्स थ्री हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स। नहीं अभी बात नहीं कर रहा है। एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म फ्रीडम इट इज़ फैशनेट फ्रॉम खादी विच इज़ डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन। ठीक है, इसका क्या आएगा, बी सी बन रहा है मेरा। उसके बाद इट फीचर्स, ये फीचर जो है किसके बता रहे, पहले ये कॉटन के जो खादी है इसके बारे में बता रहा है कि थ्री हॉरिजेंटल, तो ये आएगा बी सी डी ए। मैं पूरा ही लिख दूँ कि ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी बन रहा है। आपका क्या बन रहा है ये बताओ, कि ऑप्शन यहाँ पे मेरा सी बना है। सो ऑप्शन सी ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का सिनोनियम क्या होगा, जेलस का, जेलस करवाना किसी को बताओ, उत्तेजित करना किसी को, है ना, सिस्टमेटिक तो होगा नहीं। वीडियो को पास कर लो अगर आपको टाइम चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे 5-5 मिनट के बाद, 2-2 मिनट के बाद आंसर बताऊंगा तो क्वेश्चन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो को कंप्लीट करना होता है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस हेनरी इज सो सर्वाइल सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ हिम। सर्वाइव का क्या मतलब होता है, सर्वाइव होता है कि हैनरी सो सर्वाइव दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ, हर लोग उसकी क्या ले देते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। कह सकते हो कि ये कोई पर्सन जो है, ये कोई किसी का, मतलब कि जो भी इसको कोई बोलेगा तो इसके मुंह पे यस होगा, कहने का मतलब ये किसी का स्लेव हो सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसका एंटोनियम क्या हो सकता है, एंटोनियम शेप इज बिकरिंग कनिंग, कनिंग होता है चलाक, चलाक तो हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, एरोगेंट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही, एरोगेंट हो सकता है। ठीक है, अभिमानी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस टेंसेस सेंटेंसेस सॉरी द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्रूशियली। ठीक तो है ये, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्रूशियली, हैज बीन हैव बीन फॉर देयर, नहीं अभी मुझे कुछ अनकम्प्लीट लग रहा है, अस्पायरिंग ए भी लगा है और पार्टिसिपेंट्स भी लगा है, तो ये स्टार्टिंग में ही गलत है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, तो बाकी की कहानी यहाँ पे ई ऑप्शन ही पूरी कर रहा है, ए विल बी द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हर डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। अंडर द फेंस एंटोनियम बताना है इसका, अंडर का ओपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है सर, ओवर होता है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है ना। राम गोज या डायरेक्शन के साथ है तो फिर क्या लगेगा, द ही लगेगा, ऑप्शन सी। यू डैश पार्क योर कार हियर इट्स रिजर्व फॉर गेस्ट्स ऑफ द होटल ओनली। उनको बोला गया है कि उसको शुड नॉट, उसको पार्क नहीं, शुड नॉट यानी कि उसको पार्क नहीं करनी चाहिए कार यहाँ पे। दूसरा है कि माई नॉट, कि उसको शायद नहीं करनी चाहिए, मई नॉट यानी कि आगे से वो नहीं करेगा, कुड नॉट कैन नॉट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मई नॉट, क्यों आगे से यहाँ पे कार को पार्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो जगह है रिजर्व रखी गई है होटल के लोगों के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गिवन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। ही बुक द टिकट फॉर द शो, उसने
बुक कर दी टिकट्स को फॉर द शो के लिए, क्या डिमांड पे करी, कॉमन में करी, डेप्थ में करी, एडवांस में? सो यहाँ पे मुझे डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो मैं डी के साथ ही जाऊँगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अब वीडियो को पास ज़रूर कर लेना अगर जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए सेलेक्ट, क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं ना इंग्लिश में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइसेस। आई वॉज फैसिनेटेड बाई द मूवी, आई वॉज फैसिनेटेड बाई द मूवी। तो बताओ कि एक्टिव में क्या होगा ये? द मूवी फैसिनेटेड में मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया, मैं ए के साथ ही चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट द इनडायरेक्ट फ्रॉम, यानी कि नरेशन की बात करें। प्रिया अश्योर्ड मी, अश्योर्ड मी यानी कि यहाँ पे टोल्ड मी आ रहा है, तो टोल्ड मी दैट, ठीक है। शी तो आएगा, कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा, कैन वाली कहानी पूरी गलत, कुड भी आएगा। स्टे आएगा, स्टे आएगा, इन आएगा, टू नाइट नहीं आएगा, दिस नाइट नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी के पास हम पहुँच के ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। आई नो कि आप मेरे से ज़्यादा जानते हो उन चीज़ों के बारे में। द बैंकर वार्न्ड मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई एटीएम कार्ड। बैंकर ने मुझे वार्न किया कि मुझे अपने एटीएम को कार्ड को लेके मुझे केयरलेस नहीं रहना चाहिए। फ्रॉम माई आएगा कि विसाइड, विसाइड तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बेकार लग रहा है। अक्रॉस विद, यस, केयरलेस विद माई एटीएम कार्ड के साथ मुझे नहीं रहना चाहिए, केयरलेस। बिफोर वॉज प्रेज फॉर हिज वैलोर डिस्प्लेड इन द बैटल फील्ड। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, प्रेज यानी कि उसकी जय जयकार कर रहे हैं, है ना। फॉर इज बैलोर डिस्प्ले इन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड में उसने अपनी क्या दिखाई, हो सकता है विक्ट्री दिखाई हो भाई, कोई अपनी होशियारी दिखाई हो, है ना। एंटोनियम बताना, एंटोनियम क्या हो सकता है इसका? कॉवर्डनेस दिख सकता है मुझे, क्लम्सी, कॉवर्डनेस यानी कि जो लोग आलसी होती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एंटोनियम फिट बैठेगा। एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वर अनक्लीन, यहाँ पे सब चीज़ उड़ा। बोलोगी सर सब चीज़ उड़ हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो स्टॉक एक्सचेंज का पेपर हुआ, उसमें सब चीज़ क्वेश्चन पूछा गया, और शायद फाइनेंस में भी पूछा गया था, और BLW में भी चीज़ें पूछी गई थी। सो पूरा मुझे इतना याद नहीं है, बट स्टॉक एक्सचेंज में पूछा गया, तो सिलेबस अलग है। तो जो करंट में सिलेबस पूछा जा रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना, इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे ज़रूर बनने के चांसेस हैं। एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वर अनक्लीन, एक तो ये एवरी लगा रहा है, दूसरा नोक और कॉर्नर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाज आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? वाज कहाँ पे? ऑफ ए हाउस वाज क्लीन, ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जॉन सेड दैट ही वाज देयर इज टू रिसॉल्व दैट फाइट फॉर देम। जॉन से दैट ही वॉज देयर, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, देयर टू रिसॉल्व द फाइट, यानी कि आपको इसको पढ़ के ही पता चलेगा। सैड दैट है तो क्या आएगा? सैड आएगा, सेस नहीं आएगा। जॉन सैड आई वॉज हियर, आई वॉज यहाँ पे नहीं लगेगा, ये आएगा जॉन सैड आई एम हियर टू रिसॉल्व दिस फाइट फॉर यू। बहुत ईजी पूछे गए हैं, बस आपने थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है, जो आपने बेसिक पढ़ा है उसको फॉलो करना है, इसको अंडरलाइन कर लो। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इज कॉल्ड, रियरिंग यानी कि सिल्क वर्म फॉर्म करते हैं उसको क्या हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आपको सब्स्टिट्यूट यानी कि वैल्यू को रिप्लेस करना है, अपने हॉर्टिकल्चर को रिप्लेस करना है किसके साथ? सेरिकल्चर के साथ, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। 20th क्वेश्चन देख लो यारा, फ्रेजर वर्ब पूछ रहा है आपसे, ये भी है आपके सिलेबस में। द कंपनी प्रॉफिट वर लो, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाता है? लो हो गया था, एंड दे वर फोर्स्ड, उन्होंने क्या किया? दे फोर्स टू लिस्प ऑफ कर दिया स्टाफ को, या ले ऑफ कर दिया, ले ऑन कर दिया, लाई ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आएगा ले ऑफ, इसको कोई भी कर सकता है, ले ऑफ ही आएगा। सो ऑप्शन क्या हो गया? बी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। सो कैसा रहा आज का आपका टेस्ट? सो आई होप अच्छा रहा हो आज का आपका टेस्ट। तो 20 में से जितने भी आपके नंबर बने हैं, शर्माने की बात बिल्कुल नहीं है, इससे आपको अपनी इंप्रूवमेंट लगेगी। देखो जो अगर आप यहाँ से 15 to 16 भी लाओगे ना इस टेस्ट में, एग्ज़ाम में आपके इतने ही मार्क्स बनेंगे, ये आपको मॉक टेस्ट में ही पता चल जाएगा। क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि आने वाला मॉक टेस्ट 2 पे क्वेश्चन क्या होंगे, आपको ये भी नहीं पता है कि आने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो GK होगी विद CK के साथ, यानी कि CK मतलब कि करंट अफेयर के साथ, करंट अफेयर के आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेगा। सो ये चीज़ें ये डिपेंड करती हैं कि आपको एक्सपेक्टेड नहीं है,
आपको कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको जीके क्या पूछेगा वो, तो इसलिए मॉक टेस्ट भी आपको यही रोल प्ले सिखाता है। तो वो भी आपका एक मॉक टेस्ट होता है, पर फर्क इतना होता है कि वो फाइनल एग्जाम होता है। 20 में से कितना स्कोर बना है जल्दी से बताओ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू भी आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो 2 होगा वो हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पे होगा, तो इसके लिए रेडी रहिएगा, रिवाइज कर दीजिएगा अपने नोट्स। इसका वीडियो भी आपको जल्दी ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आगे की सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर सकें। सो बाय बाय, टेक केयर।